जी सूबेदार मेजर ये दो मिनट वास्ते आते टाइम से जरूर ध्यान देन अपना वो तो अगले बारे बुलाने तैयार हैं जी सरदार सरजरपाल सिंह जी सूबा आगू बीके जू क्रांतिकारी वो ही तैयार हैं जी तीन काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष लड़ रहे संघर्षी योधे हो पहला तो फतेह बुलाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज साढ़े नस्लों ते फसलों के चल रहे संघर्ष में तकरीबन तीन महीने तो उपर हो चुका समा जिहड़े काले कानून खेती सुधार के नाम से लियांदे सन अज पंजाब ही नहीं हरियाणा ही नहीं राजस्थान या यूपी ही नहीं पूरे देश की कली कली स्टेट के नागरिक तक यह सुनेहा पहुंच चुका है पर इतों के आर एस एस ते बीजेपी की कट्टर सरकार जिहड़ी के ईबीएम की ठगी के नाल बनी सी उन्होंने अजे तक काले कानून दियां सोधा ही याद ने पर संघर्षी योधियो तुहाडे संघर्ष की जित जरूर होगी क्योंकि जिहड़ा संघर्ष लम्मा चलता है उहदी जित भी मजबूत हुंदी है। यह साडी जिहड़ी लड़ाई है साडी अणख की लड़ाई है साडे भविख की लड़ाई है साडियां जमीनां ते जमीरां की लड़ाई है। इस करके साडियां किसान जथेबंदियां की समुची लीडरशिप जिन्होंने पंजाब ते हरियाणे दे विच जियो दे उत्ते ढिंडोरा पिटिया सी किन्हां कारपोरेट घराणियां दीआं जिहड़ियां रिलायंस कंपनियां दे जियो सिम बंद कराउण वास्ते लोकां दे घरां तक आवाज बुलंद कीती सी पर अज फिर कुछ टोले सरकारी जिवें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब दे विच पीएसपीसीएल जिहड़ी बिजली महकमे की कंपनी ठेके ते दित्ती गई है वह तो जियो दे सिम दुबारा उस कंपनी दे जिहड़े सर्विस कर रहे लोग ने उन्हां ते थोप रही है जिहदा असीं स्टेज वालों निंदा करदे हां कि जिहड़े साडे किसान अपनियां जमीनां नूं बचाउण वास्ते जिहड़े जियो दा विरोध कीता सी साडियां चुनियां होईयां सरकारां उन्हां नूं दुबारा साडे जिहड़े मुलाजमां ते लागू कर रहीआं ने इहदी असीं निंदा करदे हां। दूसरा साडी समुची लीडरशिप जिहड़ी अज वैस्ट बंगाल दे विच बीजेपी दे बरखिलाफ अपना मोर्चा किसानी संघर्ष नूं समर्पित खोलिया होया उहदी असीं हमायत करदे हां ते नाल ही किसान आगू वीरां नूं भी एक सुनेहा दिंदे हां कि एक बीजेपी का विरोध करना है दूजा ईवीएम का भी विरोध करना है जे साडा दुआरा बैल्ट पेपरां राही यह जिहड़ियां चोणां होण ईवीएम का बाइकाट होए तां मोदी सरकार नूं पता लग जू सरकार किस तरीके नाल बनाई जांदी है क्योंकि अजे भी मोदी नूं माण है कि मैं सैटिंग के आधार से ईवीएम मशीनों के आधार से दोबारा स्टेटा दे विच काबज होना है। पर दोस्तों संघर्षी योधियो संघर्षी साथियो ईवीएम का बाइकाट करके आपां बैल्ट पेपरां दे विच जिहड़े सूबियां दे विच अज इलैक्शन हो रही हैं जां 2024 का जो मनसूबा है बीजेपी का उन्हूं फेल करन दे विच कामयाब हो जाए तो साडी किसानी जित नूं एक रूप दे के आ तीन काले कानून भी वापस करावांगे एम एस पी गरंटी कानून भी बनेगा साडे किसान ते नौजवान जिहड़े अज जेल च बंद है वह भी बिना सर तो रिहा होणगे ते सारे परचे जिहड़े दर्ज है वह भी रद्द होणगे इह तुहाडे एके दा सबूत होएगा क्योंकि अज पंजाब हरियाणा राजस्थान ते वख-वख स्टेटां विच किसानां ते नौजवानां दीआं इकत्तरता होणियां शुरू हो रहीआं है ते महापंचायतां बननियां शुरू हो रहीआं है ते इस करके मोदी सरकार है जिहड़ी घबराई पई है ते तुहाडे हौसले की लोड़ है क्योंकि नौजवानां दा जिहड़ा जोश ते साडे बजुर्गां दा होश यह दोनों मिलके इस लड़ाई नूं एक सोहणे ते सुहागे वल लैके जाणगे क्योंकि ठंड दीआं रातां भी तुसीं
दिल्ली दी सड़कां ते गुजार लिया पिछलियां गर्मियां तुसी पंजाब दे विच रेलवे ट्रैकां ते रेलवे लाइनां ते गर्म तत्तियां ते बैठ के भी तुसी दस दिता है असी कीड़े वारस हैं असी तत्तियां तवियां ते बैठण वालियां दे वारस हैं। ते अज फिर दिल्ली दे विच जिहड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है उहदा बंदोबस्त तुसी अपने आप कर रहे हो। मैं सलूट करदा किसानां नूं जिहड़े इस देश दे अन्नदाता ने जिहड़ी अपनी शांतमई तरीके नाल अपने बंदोबस्त आप करके सरकार नूं ठोकर मारन वास्ते तैयार है ते हर कुर्बानी देण नूं तैयार है। इस करके एक दिन तुहाडी जित होएगी, डटे रहो सूझवान किसान आगूओ ते जित तुहाडी होएगी। जय जवान जय किसान, जित लड़दे लोकां दी। धन्नवाद जी।